हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीना मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीना मैरिटिमा इसका पूरा नाम है, वॉर्म सीड इसका कॉमन नेम है और कंपोजिटी इसकी फैमिली है। सीना एक बहुत ही अच्छी चिल्ड्रन रेमेडी है चिल्ड्रन की बहुत सारी कंप्लेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटली जो पेशेंट होगा एडेप्टेड टू द चिल्ड्रंस, एक ऐसा बच्चा जिसके डार्क हेयर है, काले हेयर है, जो कि बहुत ज़्यादा जिद्दी है, इरिटेबल है, इल ह्यूमन है, वॉन्ट टू बी कैरिड, अपने आप को कैरिड करना चाहता है लेकिन जब हम उसको उठाएंगे तो उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। डू नॉट वॉन्ट टू बी टच, ठीक है, अपने आप को टच नहीं करने देगा। कांट बियर एनी वन टू नियर, हम किसी को भी पास में नहीं आने देगा। एवर्जन टू केयरलेस, अगर उसकी कोई केयर करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगता है। डिज़ायर मैनी थिंग बट रिजेक्ट एवरी थिंग ऑफर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए लेकिन हम जब उसको देंगे तो वो उसको क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। ऐसे ही एंटीमोनियम टार्ट, ब्रायोनिया, कैमोमिला और स्टेफिका भी है। कैमोमिला में हमने देखा था कि जो बेबच्चा है उसको हम लोग केरी करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको रिलीफ होगा, बट सीना पेशेंट को अगर हम केरी करेंगे जब भी उसको रिलीफ नहीं है। नेक्स्ट है फिजिकल जनरल्स, कैनाइन हंगर, बहुत ही ज़्यादा डॉग जैसी हंगर है, इतना ज़्यादा भूख लगता है। हंगरी सून आफ्टर अ फुल मील, अभी अभी खाना खाया लेकिन फिर भी अभी खाना खाया उसके जस्ट बाद फिर से भूख लगने लगी है उसको। क्रेविंग फॉर स्वीट्स, मीठी चीज़ों की डिज़ायर है और बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स की। रिफ्यूजस मदर मिल्क, लेकिन जो मम्मा का मिल्क है वो नहीं चाहिए बेबी को। नो सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंट डिगिन बोरिंग एट द नोज, बार बार नोज को ऐसा डिग करता रहेगा, बार बार उसमें उंगली डालता रहेगा। पिकअप द नोज ऑल टाइम, हमेशा नाक को पकड़े रखेगा। ईचिंग ऑफ नोज, नोज में ईचिंग होगी उसको। रब द नोज ऑन अ पीलो, जो तकिया है उस पर नोज को ऐसे रगड़ेगा। और द शोल्डर पे, या फिर जो अपन किसी बेबी को कैरी किया है नर्स के शोल्डर पे क्या करेगा, नोज को वो रब करेगा। क्यूक्रियम भी रेमेडी है नोज कंप्लेंट्स के लिए। फेस की बात करती है तो फेस कैसा होगा, पेल कलर का होगा, सिकली वाइट और ब्लूइश अपीरियंस होगा अराउंड दी माउथ, माउथ के अराउंड ब्लूइश अपीरियंस, सिकली अपीरियंस वाइट कलर का, सिकली विथ डार्क रिंग्स अंडर द आईज, आँखों के नीचे डार्क कलर के गहरे हो जाएंगे। ऑन द चीक रेड एंड अदर चीक इज अ पेल, एक चीक उसका रेड रहेगा और दूसरा पेल रहेगा। कैमोमिला में भी हमने ये सिम्टम देखा था। जीआईटी सिम्टम्स हैं तो चिल्ड्रन सफर फ्रॉम वॉर्म पिटफुल वीपिंग व्हेन अवेकन, जब भी बच्चा सोकर उठेगा, ठीक है, अगर उसको वॉर्म्स की कंप्लेन है तो वो रोएगा स्टार्ट और स्क्रीमिंग चिल्लाने लगेगा स्लिप के टाइम पे जब सोया रहेगा तब, और दांतों को ऐसे ग्राइंड करेगा, ठीक है। सिकुटा और स्पाइचिलिया भी रेमेडी है ग्राइंडिंग अप टीथ के लिए। और एस्कैरिड, एस्कैरिड्स क्या है, वॉर्म्स है, तो बच्चों को पेट में जिनको कीड़े होते हैं, जिनको वॉर्म्स होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है सीना। क्यूक्रियम भी रेमेडी है बहुत अच्छी एस्कैराइड्स के लिए। यूटीआई यूरिनरी कंप्लेंट्स में देखते हैं। यूरिन टर्बिड व्हेन पासेस, ठीक है, यूरिन कैसी होगी, टर्बिड हो जाएगी, कब पास होगी तब, कैसी, वाइट कलर की रहेगी, मिल्की सेमी सॉलिड ऐसी जेली टाइप की रहेगी। आफ्टर स्टैंडिंग, अगर उसको हमने रहने दी तो उसकी यूरिन पूरी जम जाएगी, वाइट टर्बिड और इन्वॉलेंट्री भी हो सकती है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में है कि जो कफ है, कफ का कैरेक्टर कैसा रहेगा, ड्राई विथ स्नीजिंग, सूखी खांसी आएगी, साथ में बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, स्पास्मोडिक रहेगी, ठीक है, स्पाजम्स होंगे इसे, और गैगिंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में गैगिंग की सेंसेशन है, पीरियोडिक है, स्प्रिंग हर स्प्रिंग में रिटर्न होती है, और जब भी फॉल होता है, जब भी रेनी सीजन आता है तब। चाइल्ड इज़ अफ्रेड टू स्पीक और मूव फॉर अ फियर bringing on the paroxysm of the coughing, ठीक है, जो बच्चा रहेगा वो बोलने से भी डरेगा और मुंह से भी डरेगा, क्यों, क्योंकि जब भी वो बोलेगा और मुंह करेगा तो उसको क्या होगा, कफ का paroxysms आ जाएगा। ब्रायोनिया भी ये रेमेडी, ब्रायोनिया भी रेमेडी है, paroxysm इस टाइप के मूवमेंट से कफ आ जाता है ब्रायोनिया को भी। रिलेशन की बात करें तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एंटीमोनियम क्रूड, एंटीम टार्ड, ब्रायोनिया, कैमोमिलिया, क्रियोजोर, साइलेशिया और स्टेफी से। इरिटेबल चिल्ड्रंस है ये सारे। इन अ पर्ट्यूसिस आफ्टर अ ड्रोसेरा हैज़ रिलीव द सेवियर सिम्टम,
ठीक है, पर्ट्यूसिस में ड्रोसेरा रिलीव करती है, उसके बाद आप सीना दे सकते हो। हैज अ क्योर्ड एफोनिया फ्रॉम एक्सपोजर व्हेन एक्विनाइड फॉस्फोरस एंड स्पॉन्जिया फेल्ट। ठीक है, सीना को हम सब दे सकते हैं जब आवाज़ चले जाती है या फिर गला ख़राब हो जाता है तब। एक्विनाइड फॉस्फोरस और जब स्पॉन्जिया दे दी है और कुछ असर नहीं हुआ तो आप सीना दे सकते हो। इज frequently to be brought off in a children's as an epidemic remedy when adult required other remedy। ठीक है, adults required other remedy, जब भी epidemics condition है और बच्चों को children's में को में ये बार बार remedy क्या हो रही, indicated हो रही है, तो हम लोग दे सकते हैं सीना remedy को, लेकिन adults के लिए दूसरी remedy रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा सीना रेमेडी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।